तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आईटी सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट में जाना चाहते हैं और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको कैसे जॉब मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको देखो क्लियर एक बात बता दूँ कि लोगों को एक्सपीरियंस काम करने के बाद ही मिलता है। आप फर्स्ट टाइम होते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, आपको फर्स्ट जॉब चाहिए होती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस 5 साल का तभी होगा ना जब आप किसी जॉब को ज्वाइन करोगे। बैठे बैठे तो हो नहीं जाएगा, लेकिन मोस्टली कई बार ये कंपनीज उस चीज़ को समझती नहीं है कि नहीं उन्हें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही चाहिए, और ये कंपनी उस चीज़ को नहीं समझती है कि नहीं आपको जब जॉब देंगे तभी उस बंदे को एक्सपीरियंस होगा ना, उसके बाद ही तो आगे उसका फ्यूचर बनेगा। तो कई बार कंपनीज इन सब चीज़ों को नहीं समझती हैं, लेकिन स्टिल हम लोग जब फ्रेशर होते हैं तो अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है फर्स्ट जॉब पाने में। और जब आपको फर्स्ट जॉब एक बार मिल जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, तो उसके बाद आपको जॉब इजीली मिल जाती है, आप जॉब इजीली स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूँ, आप जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो ना वो तो ठीक है, चलो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डेस्कटॉप सपोर्ट में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू का ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो। और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ना उसको हम लोग थ्योरेटिकल में भी कन्वर्ट करते हैं। सपोज आपको किसी सिस्टम में डोमेन ज्वाइन करना है तो वो आप थ्योरी पढ़ोगे तब वो जाके प्रैक्टिकल होगा। ये तो नहीं है कि डायरेक्ट आपने प्रैक्टिकल कर लिया, कुछ पता नहीं है, आप गए और आप एक ऐसा वहाँ पे कुछ जादू सा कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया और आपको थ्योरी पता ही नहीं थी। तो मेरे दोस्त मैं बता दूँ आपको कि वो कहीं ना कहीं आपके पास थ्योरेटिकल होता है, आपको थ्योरी पता होती है, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली चीज़ें ना तो उस चीज़ की थ्योरी आपके माइंड में बनी होती है। वो थ्योरी जो हम लिखते हैं वो आपके दिमाग में छपी होती है कि हाँ हमें ये करना है। जो थ्योरी है वही प्रैक्टिकल है ना मेरे दोस्त। सपोज आप कोई काम कर रहे हो तो उस चीज़ का एक रिटन कम्युनिकेशन या एक थ्योरी पार्ट आपके दिमाग में है और उस हिसाब से ही कर रहे हो। सपोज आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ पे गए ही नहीं हो तो वो एक हो गया कि नहीं प्रैक्टिकली हो गया, वहाँ पे गए नहीं तो हम जाएंगे कैसे। और जब कहीं आप गए हुए होते हो ऑलरेडी तो वो आपके लिए हो जाता है प्रैक्टिकल कि आप वहाँ पे गए हो, मीन्स उसकी थ्योरी उसका मैप आपके दिमाग में बना हुआ और वहाँ पे चले जाते हैं। तो सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरव्यू के सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको आप रट्टा मारो, उसे आप पढ़ो, उसे आप सीखो, और जो प्रैक्टिकली काम करते हैं 1 साल के कैंडिडेट वो आप गूगल करो, यूट्यूब करो, उसको वहाँ से निकालो। और इंटरव्यू के क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर आपको अगर चाहिए आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट प्रोफाइल की आईटी में अगर आपको चाहिए तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल रिज्यूमे भी अपना डाला हुआ है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू की CV में क्या क्या लिखते हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, मेरे रिज्यूमे में एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। और दूसरा, आपको सेलेक्टेड 70 के आसपास उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि 90 और 95% एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए बहुत बेस्ट हैं। सिर्फ वही आपको 90% क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आप फ्रेशर बेस कैंडिडेट हो और 1 या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो वो क्वेश्चन सुटेबल है, वो क्वेश्चन आपके लिए काम कर जाएंगे। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब स्विच करने में हेल्प करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली सी बात है आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाले हैं, उतने में ही आपको जॉब मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन स्किल का देखना होगा, कम्युनिकेशन स्किल मीन्स कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है और इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसके अंदर जो इंटरव्यू के पार्ट होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी टेक्निकल आपका इससे निकल जाएगा, बहुत ही वो बेस्ट क्वेश्चन है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।